रोहित विराट की वापसी से प्लेइंग 11 में होंगे बड़े बड़े बदलाव। बता दें कि टी20 सीरीज के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम की निगाह है वनडे सीरीज फतेह करने पर होगी। टीम इंडिया में रोहित शर्मा के एल राहुल, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज प्लेयर्स की वापसी हो रही है और ऐसे में प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं। श्रीलंका सीरीज से ही टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां पूरी तरह से उन्होंने शुरू कर दी। बता दें कि कल होने वाला है मैच 10 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ। पहला वनडे मैच गुवाहाटी के मैदान पर 10 जनवरी को खेला जाना है। इस मैच में ईशान जो किशन को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। ईशान पहले ही रोहित के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वही शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उतरना अब तय माना जा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं। वो चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दे सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से सूर्य के बल्ले की गूंज सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। वही पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। विकेट कीपर की जिम्मेदारी के एल राहुल को सौंपी जा सकती है। वही राहुल पहले भी मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं। वही तेज गेंदबाज आक्रमण जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का खेलना तय लग रहा है। वही तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को चुना जा सकता है। और बता दें स्पिनर्स की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल को सौंपी जाएगी। ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। वही रोहित शर्मा, विराट कोहली के एल राहुल, जसप्रीत बुमराह की गिनती भारत के महान खिलाड़ियों में होती है। उन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को कई मैचें जिताई है, लेकिन पिछले कुछ समय से बड़े मौकों पर ये खिलाड़ी फेल नजर आए हैं। ऐसे में अब इन खिलाड़ियों को लय पकड़नी होगी। पहले वनडे मैच के लिए संभावित प्लेइंग 11 में होंगे रोहित शर्मा, कप्तान के तौर पर ईशान किशन होंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, के एल राहुल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप नजर आएंगे कल के खेल में। रोहित विराट की वापसी से प्लेइंग 11 में होंगे बड़े बड़े बदलाव। बता दें कि टी20 सीरीज के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम की निगाह है वनडे सीरीज फतेह करने पर होगी। टीम इंडिया में रोहित शर्मा के एल राहुल, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज प्लेयर्स की वापसी हो रही है और ऐसे में प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं। श्रीलंका सीरीज से ही टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां पूरी तरह से उन्होंने शुरू कर दी। बता दें कि कल होने वाला है मैच 10 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ। पहला वनडे मैच गुवाहाटी के मैदान पर 10 जनवरी को खेला जाना है। इस मैच में ईशान जो किशन को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। ईशान पहले ही रोहित के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वही शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उतरना अब तय माना जा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं। वो चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दे सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से सूर्य के बल्ले की गूंज सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। वही पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। विकेट कीपर की जिम्मेदारी के एल राहुल को सौंपी जा सकती है। वही राहुल पहले भी मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं। वही तेज गेंदबाज आक्रमण जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का खेलना तय लग रहा है। वही तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को चुना जा सकता है। और बता दें स्पिनर्स की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल को सौंपी जाएगी। ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। वही रोहित शर्मा, विराट कोहली के एल राहुल, जसप्रीत बुमराह की गिनती भारत के महान खिलाड़ियों में होती है। उन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को कई मैचें जिताई है, लेकिन पिछले कुछ समय से बड़े मौकों पर ये खिलाड़ी फेल नजर आए हैं। ऐसे में अब इन खिलाड़ियों को लय पकड़नी होगी। पहले वनडे मैच के लिए संभावित प्लेइंग 11 में होंगे रोहित शर्मा, कप्तान के तौर पर ईशान किशन होंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, के एल राहुल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप नजर आएंगे कल के खेल में।